हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आरके एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी एक और नई अपडेट लेकर आया हूं, जो करंट की ये एसबीआई बैंक की भर्ती है 2023-24 के लिए। इस भर्ती से जुड़ी मैं अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। कुल पदों की संख्या इसमें आपकी 5280 है। क्या इस ऑनलाइन फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न और जो सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, इस पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी आपके साथ शेयर करूँगा और आपको एक एक पॉइंट जो है इसके बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस भर्ती से जुड़ी अपडेट्स। सबसे पहले जो ये भर्ती आई है, ये आई है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। पोस्ट का नाम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। अलग अलग सर्कल्स में ये पोस्ट आई है। पूरी ऑल इंडिया बेस्ड ये जॉब है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये CRPD/CBO 2023-24/18। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और पेमेंट ऑफ फीस होगी फॉर्म के लिए, वो 22 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 के बीच होगी। यानी स्टार्ट फॉर्म आपके आज से ही हो चुके हैं 22 नवंबर 2023 से, और 12 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। जो आपके कॉल लेटर होंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए, वो जनवरी महीने में आएंगे, और आपका ऑनलाइन टेस्ट की भी एग्ज़ाम डेट है वो भी टेंटेटिव डेट है आपकी जनवरी 2024। नेक्स्ट जो ये आपकी पोस्ट आप देख सकते हैं, डिटेल ऑफ वैकेंसी है अलग अलग सर्कल में, जैसे कि अहमदाबाद सर्कल है, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये आपकी टोटल पोस्ट दिखाई गई है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। एक और आपको यहाँ से नोट करना, लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है किसी भी सर्कल की, जैसे अहमदाबाद की गुजराती है, फिर तेलुगु है, अमरावती की कन्नड़ है, हिंदी, उड़िया, ये आपको नोट करना है। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा क्या इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये आप पोस्ट देख सकते हैं, फिर बाकी सर्कल्स की और पोस्ट दिखाई गई यहाँ पे। तो कुल मिला के टोटल वैकेंसी आपकी 5280 यानी 5280 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2157 पोस्ट है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं पोस्ट का, और आप अपनी जो है सर्कल के अकॉर्डिंग, ये है जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी वो आपको आनी चाहिए, उसके बारे में रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानते हैं। इस पोस्ट के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ड्यूल डिग्री, इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री, मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब भी इस पोस्ट को, इस फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो है आपकी एज लिमिट आपकी सबसे पहले काउंट करने की डेट है 31/10/2023, यानी 31/10/2023 को एक कट ऑफ डेट मानकर आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। आपकी कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, 21 से 30 साल के बीच। बाकी जो अलग अलग आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप इसमें देख सकते हैं कितने साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद वो जो आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी उसकी भी कट ऑफ डेट 31/10/2023 है। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आपका। किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या फिर रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, RRB बैंक है जो, उनमें आपका ये 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकल लैंग्वेज। मैंने बताया था आपको, आप अपने अपने सर्कल वाइज लोकल लैंग्वेज जिससे आपको अप्लाई करना है उसकी लोकल लैंग्वेज जो है आप नोट करिए, कौन सी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो पर्टिकुलर सर्कल की जो भी ऊपर टेबल में दिखाई गई थी आपकी वैकेंसी के साथ, जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप प्रोफिशियंट होना चाहिए, यानी रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग उस लैंग्वेज की आपको होनी चाहिए। इसका एक टेस्ट लिया जाएगा बाद में, जब आप जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आपका रिटन टेस्ट, उसको क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट। और कुछ कैंडिडेट्स जिनका 10वीं और 12वीं जो क्लास है उसमें उन्होंने ये लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है, उसमें आपका सब्जेक्ट आया है, ये लैंग्वेज टेस्ट हुआ है, तो उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उनका जो है कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनको जो है पर्टिकुलर सर्कल की, जहाँ से जो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट, वहाँ से उसका जो है एक टेस्ट लिया जाएगा, उसका रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग का उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपको ज़रूर आनी चाहिए।
नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सिलेक्शन की प्रोसेस। जो सिलेक्शन की प्रोसेस है तीन इसमें आपके लेवल रहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, फिर स्क्रीनिंग, फिर इंटरव्यू। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसका देखते हैं पैटर्न क्या रहेगा। 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा, 4 इसमें सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 आपके मार्क्स क्या होंगे और 30 मिनट सेक्शनल टाइमिंग भी है यहाँ पर, 30 मिनट का टाइम होगा। बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 40 मिनट्स का आपका टाइम होगा। जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, यानी टोटल 2 घंटे में 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके साथ ही ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसमें एक डिस्क्रिप्टिव भी होगा साथ में, 30 मिनट्स का ये टेस्ट होगा और ये 50 मार्क्स होंगे, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट होगा, लेटर और एसे राइटिंग का टेस्ट इसमें होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें 2 आपके पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को जो है स्क्रीन किया जाएगा, सेकंड स्टेज होगी, क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी एप्लीकेशन को उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और पॉइंट जानते हैं। यहाँ पर जो है कोई सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, आपको अलग से अलग अलग सेक्शन में क्वालिफाई नहीं करना है, टोटल एक एग्रीगेट कट ऑफ लगेगी, उसको आपको क्वालिफाई करना है। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी देखते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, ये आपके लिए काफ़ी फायदे वाली बात है। सेक्शनल मार्क्स नहीं होंगे, स्क्रीनिंग आपकी जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो है ऑनलाइन एग्जाम जो क्लियर करेंगे उनकी होगी, उनकी एप्लीकेशन की, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज है इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा, उसमें आपको क्वालिफाई जो भी बैंक एक कट ऑफ रखेगा वो आपको जो है क्वालिफाई करना है इंटरव्यू में, जो 50 मार्क्स में से एक क्वालिफाई मार्क्स होंगे जो वो आपको यहाँ पर ऑब्टेन करने होंगे। फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका दोनों ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स का जो है उनका एग्रीगेट किया जाएगा, उस पर निकाला जाएगा। इसमें रेशियो क्या होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स का रेशियो होगा 75:25। ओके, तो ये आपका रेशियो रहेगा, इसके रेशियो में उनके मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा और फिर टोटल मिला के आपकी एक कट ऑफ तैयार की जाएगी। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। नेक्स्ट जो है आपका इमोलूमेंट्स यानी सैलरी देखते हैं। सैलरी जो आपकी बेसिक पे होगी स्टार्टिंग में वो 36,000 होगी और स्केल रहेगा 36,100 से आपका ये स्केल दिया गया 63,840 तक। उसके अलावा DA HRA जो भी लीज रेंटल जो भी मेडिकल एंड अदर अलाउंस होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फ़ीस, फॉर्म को भरने के लिए जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है ये। एक बार फॉर्म भरने के बाद आपकी फ़ीस कटने के बाद आपको ये दोबारा रिफंड नहीं होगी किसी भी हालत में। जो जनरल AWS और OBC कैटेगरी के लिए टोटल फ़ीस है 750 रुपये, SC ST PWD के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं इस ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है जो इंडिया में, उनकी सब्सिडायरीज यानी उनमें खुद जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी बजाय उनकी सब्सिडायरीज जो बैंक हैं उनकी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे रिलेटेड उनमें काम कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर जो कैंडिडेट्स जो कि SBI में क्लैरिकल और सुपरवाइजरी कैडर में है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर ऐसे कैंडिडेट्स ऐसे ऑफिसर्स जिन्होंने जो है रिजाइन दे दिया है SBI या उसके एसोसिएट बैंक्स में से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे या तो वो या किसी भी उस पे किसी भी पोस्ट पे थे उन्होंने रिजाइन दे दिया है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये जो इस भर्ती से जुड़ी SBI में जो करंट की भर्ती आई है अभी लेटेस्ट उससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो भी आपका भर्ती से रिलेटेड आपको ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर मैं डेली जो इस चैनल पर आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ चाहे वो जॉब से जुड़े हों या फिर आपके जो एजुकेशनल वीडियो है कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इसी अपडेट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और अच्छी अपडेट्स और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।